नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ओबेसिटी यानी कि मोटापा के विषय के बारे में, और साथ ही में बात करेंगे हम कुछ इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिकेशंस के बारे में जो कि मोटापे को कम करने के लिए या ठीक करने के लिए जो है बहुत ही मददगार हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी दवा का सेवन करने से पहले या किसी भी दवा को लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से परामर्श ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपको एजुकेशन देने के लिए बनाई जा रही है। तो आइए बात करते हैं ओबेसिटी यानी के मोटापे के बारे में। तो जो किसी भी व्यक्ति का जो शरीर है उस पर अगर अधिक फैट जमा हो जाता है जिसका असर उसकी सेहत पर भी पड़े, तो उस स्थिति को हम मोटापा कहते हैं। अब मोटापा जो है वो मुख्य रूप से बॉडी मास इंडेक्स यानी कि जिसे BMI भी कहा जाता है, यानी कि जो कमर या पेट के इर्द गिर्द हिस्से की या फिर हाथ पैर पर जो मौजूद फैट है उसके आधार पर जो है ये मापा जाता है, और इसे बॉडी मास इंडेक्स जो है या BMI जो है वो कहते हैं। तो आइए बात करते हैं जो इसके सिम्टम्स हैं उसके बारे में, और अगर इसके लक्षणों में से कोई भी लक्षण आपके शरीर में या फिर ये पांच लक्षण जो मैं आगे बताने जा रही हूँ इसमें से लक्षण जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं या आपको महसूस हो रहे हैं, तो आप अपना हेल्थ चेकअप ज़रूर करवाएं, क्योंकि ये जो है मोटापे का संकेत हो सकता है। तो सबसे पहले है सांस फूलना, तो सांस फूलना मोटापे का प्रमुख लक्षण है। दूसरा है खर्राटे आना, तो जो रात में सोते वक्त जो है वो व्यक्ति बहुत ज़ोर ज़ोर से खर्राटे मारता है। तीसरा जो है वो नींद कम आना, इससे नींद जो है वो व्यक्ति को कम आती है, और थकान जो है वो ज़्यादा महसूस होती है। थकान महसूस अन्य लोगों के मुकाबले जो है व्यक्ति ज़्यादा अपने आप को थका महसूस करता है थोड़ा सा काम करने के बाद ही, और पसीना जो है उसे ज़्यादा आता है, और कमर और जोड़ों में दर्द जो है वो रहता है। आइए अब जानते हैं कि मोटापा है उसके कारण क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो कारण है वो एक्सरसाइज ना करना। तो मोटापा होने का प्रमुख कारण जो है वो एक्सरसाइज या फिर शारीरिक गतिविधियां या फिर जिसे हम फिजिकल एक्टिविटी भी कह सकते हैं वो ना करना या फिर उसका बहुत कम करना। तो ऐसा करने से जो शरीर है उसमें वसा जमा हो जाता है यानी कि जो फैट है वो जमा होता जाता है, और धीरे धीरे यही फैट मोटापे का रूप ले लेता है। दूसरा है अधिक मात्रा में भोजन खाना। तो अगर आप अधिक मात्रा में भोजन खा रहे हैं और जो भोजन है वो तला भुना ज़्यादा ले रहे हैं तो उससे भी मोटापा जो है वो हो सकता है। तीसरा है जेनेटिक यानी कि अगर परिवार में आपके माता पिता या फिर दादा दादी या फिर कोई और इस तरह से अगर आपको पारिवारिक है तो हो सकता है कि जो आने वाले बच्चे हैं उनमें भी ये मोटापे की जो समस्या है वो बनी रहे। तो या फिर किसी भी तरह की दवाइयों का सेवन करना, जो कि कई बार दवाइयां हैं वो भी मोटापे के वज़न को बढ़ा देते हैं, मोटापा जो है वो बढ़ा देती हैं। और जो अगला है वो है तनाव, यानी कि अगर आप डिप्रेशन में हैं तो इसका ये मानसिक कारण भी जो है वो मोटापे का हो सकता है, तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर से परामर्श करें। तो आइए अब जानते हैं कि हम जो मोटापा है उसे डायग्नोस या फिर उसकी जो पहचान है वो कैसे कर सकते हैं। हालांकि जो मोटापा है वो लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ये उन्हें काफ़ी सारी गंभीर जो बीमारियां हैं उनसे पीड़ित करा सकता है। और इसके बावजूद राहत की बात तो आपके लिए ये है कि यदि मोटापा की पहचान समय से कर ली जाए तो इससे बचा भी जा सकता है। तो सबसे पहले जो है वो पहचान करने का तरीका वो है BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स की जाँच करवाना, और दिल की धड़कन की जाँच करवाना। दिल की धड़कन जो है उस मोटापे का जो असर है वो दिल की धड़कन पर बहुत पड़ता है, इसीलिए इसकी पहचान और उनकी गति की जो जांच करवानी है वो बहुत ही ज़रूरी है। तो अगला जो है वो है मेडिकल हिस्ट्री देखना। तो अक्सर जो डॉक्टर होते हैं वो अधिक वज़न का पता लगाने के लिए लोगों की मेडिकल हिस्ट्री भी देखते हैं। तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कई बार जो मोटापा है वो पुरानी बीमारी किसी पुरानी बीमारी का नतीजा भी हो सकता है। चौथा है पेट की जांच करना, यानी कि अधिक वज़न जो है वो पेट की जांच करके पता लगाया जा सकता है। पाँचवा है ब्लड टेस्ट करना। तो ब्लड टेस्ट के द्वारा भी यानी कि खून में कितनी फैट की जो मात्रा है उसका पता लगाया जा सकता है। आगे जानते हैं ट्रीटमेंट के बारे में यानी कि इसके इलाज के बारे में। तो ट्रीटमेंट में जो है
अगर कोई किसी व्यक्ति को मोटापे की शिकायत है तो उसके लिए वो सबसे पहले अपने खान पान में बदलाव करें। खान पान में बदलाव यानी कि जो ताज़े फल सब्जियां या घर का बना जो घर में जो ताज़े फल हैं या फिर ताज़े फलों से बना जो जूस है उसी का सेवन करें। तला भुना ना खाएं, ना ही ज़्यादा फैट वाला खाना जो है वो खाएं। मीट या फिर ज़्यादा प्रोटीन वाली या फैट वाली डाइट को ना ही खाएं तो बेहतर है। अगला है एक्सरसाइज करना। तो पौष्टिक भोजन के अलावा एक्सरसाइज करनी भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अधिक वज़न से इससे छुटकारा मिल सकता है। तो एक्सरसाइज करने से शरीर पर जो मौजूद फैट है उसके साथ साथ जो आवश्यक ऊर्जा है वो फैट को कम करने से जो शरीर को आवश्यक ऊर्जा है वो मिलती है। और जो अगर आप किसी तनाव में है या फिर अगर आप डिप्रेशन की वजह से आपको मोटापा आ रहा है तो आप किसी मनोवैज्ञानिक से मिलकर, क्योंकि जो मानसिक रोग होते हैं उन्हें मनोवैज्ञानिक ही बेहतर तरीके से ठीक कर सकते हैं, तो किसी आप मनोवैज्ञानिक से मिलकर आप उसके परामर्श से दवाई लें या फिर उसके परामर्श से ही आप अपना इलाज करवाएँ। अब जो चौथा है वो है बायोट्रिक सर्जरी। तो बायोट्रिक सर्जरी में क्या किया जाता है कि अधिक वज़न का जो इलाज है किसी भी तरह से कई बार संभव नहीं हो पाता है तो उसके लिए सर्जरी का सहारा लिया जाता है। और ऐसी स्थिति में बायोट्रिक सर्जरी जो है वो की जाती है जिसमें शरीर में मौजूद जो एक्स्ट्रा फैट है उसे निकालने का ये बायोट्रिक सर्जरी जो है काम करती है। और ये पेट की सर्जरी होती है। तो अगर आप भी किसी बायोट्रिक सर्जन के साथ काम कर रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस है और आप इसमें सर्टिफाई होना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप यानी कि बायोट्रिक सर्जन असिस्टेंट बनने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कुछ कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, यानी कि मोटापे के साथ साथ जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो क्या हो सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो मोटापे के संभावित खतरे हैं वो काफ़ी सारे हो सकते हैं, और अगर इसका सही समय पर जांच करके इलाज ना करवाया जाए तो ये जानलेवा भी हो सकता है। तो जैसे कि जो इससे संभावित खतरे हैं वो क्या है कि डायबिटीज़ होना, यानी कि इसके बढ़ने मोटापे के बढ़ने के साथ डायबिटीज़ हो सकता है। दिल के संबंधी जो बीमारियां हैं उनका होने का खतरा बढ़ सकता है। नींद ना आ पाना, रात को जो है व्यक्ति ठीक से सो नहीं पाता, उसे नींद नहीं आती। कैंसर के खतरे जो है इससे बढ़ सकते हैं, कैंसर होने का खतरा भी बढ़ सकता है। और यहाँ तक कि अगर सही समय पर इसका इलाज ना मिले तो इससे मौत भी जो है वो होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि इससे बचाव कैसे किया जा सकता है, जो बचाव है उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप जो बाज़ार का जंक फूड है या फिर जो फैट वाला फूड है वो ना खाएं, उसे खाने से परहेज़ करें। बाहर का भोजन जो है वो ना खाएं। और हालांकि जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं वो उन्हें बाहर का खाना खाना पड़ता है, तो उसमें आप अपने डाइट में बाहर का खाना या फैट वाला खाना ना शामिल करते हुए जो ताज़े फल या फिर सब्जियां हैं या फिर सैलड वगैरह है या फिर जो घर का बना जूस है उसी का सेवन करें। हेल्दी फूड खाएं, एक्सरसाइज करें साथ में, और एक्सरसाइज करने से जो है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ती है। सही से आराम करें, ठीक ढंग से नींद लें, दिन में 24 घंटे में सोएं, और भरपूर नींद जो है वो लेनी बहुत ही ज़रूरी है, 6 से 8 घंटे तक नींद लें। आइए अब बात करते हैं कुछ इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवाओं के विषय के बारे में। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवाओं में सबसे पहले तो एक्सरसाइज और जो अच्छी डाइट है वो आप लें, और इसके साथ साथ आप सक्रोफ 1 और कैनाक 4 फर्स्ट डाइल्यूशन 5 to 20 ग्लोब्यूल्स सक्रोफ खाने के साथ जो है वो ले सकते हैं। और महिलाएं अगर उन्हें कैनाक की ज़रूरत है तो कैनाक फर्स्ट जो सेकंड डाइल्यूशन है और कैनाक 4 का जो सेकंड डाइल्यूशन है वो सक्रोफ के साथ अल्टरनेशन में ले सकती हैं, और सक्रोफ 1 और NH2 के साथ बात भी कर सकती हैं। और कुछ केसेस में जो वेन है वो बहुत ही ज़्यादा ही यूज़फुल साबित हुई है, और काउंट मैटी भी कई बार जो है वो 10 ग्लोब्यूल सक्रोफ के साथ जो है वो दी जाती हैं, सक्रोफ 1 के साथ दी जाती हैं। तो दोस्तों ये थी वो दवाएं। अगर आपको इनमें से किसी का इस्तेमाल करना है तो ये वीडियो सिर्फ आपको एजुकेशन देने के लिए बनाई गई है। इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से परामर्श ज़रूर करें। और अगर आप
MBEH या फिर BEMS या फिर नैनी कोर्स, नेचुरोपैथिक कोर्स, CMSCD सर्टिफिकेशन कोर्स जो है अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, सिर्फ हमसे व्हाट्सएप पर ही संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9872468540, दूसरा नंबर है 9592649009 और वेबसाइट है www.paramedicalindia.com। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।